भूमाफियों से परेशान साधु संत एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम में आग लगाने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी कार्यालय पहुंचे ये साधु भगवती शरण दास है। इनके आश्रम में कुछ लोगों ने आग लगा दी थी, लेकिन आग लगाने वाला युवक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दरअसल मामला थाना वृंदावन कोतवाली का है, जहां बालाजी आश्रम परिक्रमा मार्ग में कुछ नामजनों द्वारा जमीन पाने की चाह में आश्रम की झोपड़ियों में आग लगाई थी। इसी बात को लेकर भगवती चरण दास एसएसपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। भगवती शरण दास की माने तो उनका कहना है कि ये लोग हमारे रास्ते को रोककर मारने की धमकी देते हैं। पूर्व में भी इन्होंने हमारे यहां 14 तारीख को करीब 3 बजे महेंद्र, आनंद चिरोटा, मुन्ना पीतम आदि लोगों के साथ हमारे यहां बनी साधुओं की झोपड़ियों में आग लगा दी थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां भी पहुंची थी और भारी फोर्स भी मौके पर था। इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज तक वृंदावन पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आज न्याय पाने के लिए एसएसपी के यहां आए भगवती शरण दास। आप कहां से आए हैं? वृंदावन से, बालाजी आश्रम वृंदावन परिक्रमा मार्ग। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे 14 तारीख की रात को करीब 3 बजे महेंद्र सिंह, आनंद, प्रीतम चिरौटा, मुन्ना, इन्होंने हमारे यहाँ आग लगा दी थी रात। कहाँ लगाई आग? आश्रम में, झोंपड़ियों में, और वहाँ जो है तमाम झोंपड़ियाँ जल गई हमारी। हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस पहुँची, 4 दमकल आई, 4 दमकलों ने आग बुझाई, और आग बुझाने के बाद 100 नंबर की गाड़ी कर 6 बजे तक सुबह तक 3 घंटे खड़ी रही, और फिर 15 तारीख को हमने तहरीर दी, 16 तारीख को डीजीएम चढ़ गई। ये कागज़ हमारे पास हैं और आज तक उनका कुछ नहीं हुआ, और वो हमारा रास्ता घेरते हैं, जगह जगह जाते हैं तो और वो हमें धमकी देते हैं। या हमारी ज़मीन का जो कहते हैं हमारी ज़मीन है, जबकि ज़मीन हमारी पुश्तैनी है। कागज़ हमारे पास हैं, आज भी कागज़ लेके आए थे, पहले भी साहब ने कहा कागज़ आपके पास हैं, हमने कहा साहब हमारे पास कागज़ नहीं। इसके लिए आपने क्षेत्रीय थाना कोतवाली में शिकायत वाली का तो ये है ना, शिकायत की, उसके बाद भी कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। जिस तरह आपके रास्ते को वो लोग घेरते हैं, आपको मारने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी शिकायत नहीं किया? पुलिस खुद हमें मना कर रही है कि तुम उनके खिलाफ क्यों जा रहे हो। हमने तो पुलिस कौन कर रहा मना, कौन करता मना? राजेश कुमार ये है, वहाँ के इंचार्ज हैं, रंगजी मंदिर के चौकी के, रंगजी चौकी के जो इंचार्ज हैं, वो खुद उनके साथ मिले हुए हैं, वो हमको धमकाते हैं। वो क्या कहते हैं आपसे? वो जो कहते हैं कि आप अपनी सारी एप्लीकेशन वापस ले लो, वो एप्लीकेशन वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं हमसे। आरडी प्रूफ ले लिया हमारे, सारे कुछ ले लिए, और लेकर लेने के बाद भी आज तक हमारा कोई बयान नहीं लिया। कहते हैं अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगवाने की बात करते हैं, अंगूठा कैसे लगा दें? रफा दफा करने के लिए। तो आपसे यहाँ क्या आश्वासन मिलता है? यहाँ कितनी बार आ चुके हैं कप्तान साहब? ये अब हम चौथी बार आए हैं। पहले सीओ साहब राकेश जी थे, उनसे मिले, फिर यहाँ से साहब के पास आए, तब भी राकेश जी को दी हमारी एप्लीकेशन, भाई इनका निस्तारण करो, फिर भी निस्तारण नहीं हुआ। उन्होंने हमसे कहा कि हम शाम को 5 बजे फ़ोन करके आपका आएंगे, लेकिन नहीं आए। फिर हम आगरा गए, आगरा से फ़ोन आया, इन्होंने कहा जाएंगे, नहीं किया। फिर जो है यहाँ आए तो इन्होंने कहा बिल्कुल काम होगा आपका, लेकिन आज तक भी काम नहीं हुआ। आज तक की डेट पूरा महीना हो गया, कल 14 तारीख है, 13 तारीख। गोपाल दास जी, क्या समस्या है आपकी, किस समस्या को लेकर एसएसपी कार्यालय आए आप? समस्या ये है जी, हमारे जो आश्रम है बालाजी आश्रम परिक्रमा मार्ग में, वहाँ आग वाग लगा दी 14 सितंबर में, और रात्रि को लगाई, और वहाँ पर आग बुझाई वाली गाड़ी आई, और पुलिस की जिप्सी आई, और बहुत आदमी आए, बहुत पुलिस वाले आए, और हमने जो दही है जो एप्लीकेशन हमारी जो कठिन आया रहा पुलिस वाले, हमें हम ही से जो कह तुम सामने अपने आप कर रहे हो, जो तो है ये ऐसी ऐसी बात कर रहे थे, जो कह रहे तुम ऐसे काबू लड़ रहे हो, काबू लड़ रहे हो, मैंने लड़ क्यों रहे, हम क्यों लड़ रहे, हमारे घर में आग लग रही है। तो अभी आप यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आए हैं? 4 बार आ गए हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है आप? जो साथी मिले हैं उनने भी हम पुलिस से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है सर, पुलिस तो कैसे करें बताओ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कागज में तो अब इससे आगे मान लीजिए यहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती है, क्या करेंगे आप? देखो साहब, डीआईजी साहब से मिले आए हम, उन्होंने हमें समझे, ऊपर जो बैठे आई जी साहब ताज माँ तक मिल के आए, ताजगंज भी गए और वहाँ भी गए, बालूगंज में भी दो जगह कल गए, मिल करके आए, उन्होंने भी हमें सुन थी जवाब दिया है। आज के लिए उन्होंने कहा था आप ऐसे साहब से मिला, मैं फोन कर रहा हूँ, फोन करने की बात कही जा रहा है ऐसे साहब ने।